Good evening, namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carlo.in presents Saturday Startup. मैं सुजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. लास्ट वीक हम लोग मिले मिस्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य से, जिनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में हमने उनके साथ की बहुत सारी मजेदार बातें. हमारी आज की गेस्ट मूवीज और टीवी की ऐसी अदाकारा है जिन्होंने बहुत सारे वेरिड रोल्स किए हैं थ्रू आउट हर करियर. उनका सुपर हिट शो कुंडली भाग्य इस वक्त इंडिया के टीआरपी चार्ट्स में नंबर वन चल रहा है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डाउन टू अर्थ उषा बचानी. लेट्स कनेक्ट विद हर. उषा बचानी नमस्कार. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन फॉर आर ऑल द ऑडियंस हु बीन वेटिंग. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन सैटरडे स्टारडम लाइव. And it's my pleasure. चल रही है. How is it? वहाँ का माहौल कैसा चल रहा है अभी? घर पे बैठने में मजा आता है, बाहर निकलने में थोड़ी टेंशन होती है बिकॉज बहुत ज्यादा पानी क्लॉगिंग हो गया है. तो इस वजह से आई एम बीइंग सिटिंग होम, सो आई एम हैप्पी. जो बेचारे लोग बाहर जाते होंगे आई एम श्योर दे मस्ट बी मिजरेबल. आपका मैंने सुना था कि शूटिंग का शेड्यूल भी ऑन हो गया है आफ्टर दिस कोरोना एंड एवरीथिंग. So how is the new normal for you? You know, frankly, I started shooting 26 June से. जब मुझे बताया गया था कि शूट शुरू हो रही है मैं तो पैनिक में आ गई थी. मैंने कहा मुझे अवॉइड कर दो बिकॉज यू नो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी स्कैरी थिंग. सो आई केप्ट ऑन टेलिंग देम यू नो डोंट कॉल मी एंड ऑल. शुरुआत में ऑब्वियसली सब लोग बहुत ज्यादा पैनिक में थे एंड घबराहट एंड ऑल दैट. अब क्या है कि एक आदत सी हो चुकी है, घबराहट नहीं है बट या प्रिकॉशन बहुत ध्यान से हम लोग शूट करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं, प्रिकॉशन सारी लेते हैं एंड भगवान को प्रे करते हैं कि आई होप एवरीथिंग गोज वेल. तो एटलीस्ट वो पैरानोया थोड़ा कम हुआ है. अच्छा अच्छा, आई एम श्योर वो सारा सैनिटाइजेशन वगैरह मास्क एंड एवरीथिंग क्रू इज ऑल यूजिंग एवरीथिंग. एवरीवन इज यूजिंग एवरीथिंग बट Still, you know, I'm waiting for the day that everything becomes normal and हम पुराने जैसे शूट करते थे वैसे हो जाए. Because ज्यादा किसी से किसी के रूम में ना जाओ and all that, you know, we have to be very careful. Right, right. आपने अभी पीछे बोला था किसी के इंटरव्यू में, आपने कहा था लॉकडाउन में इतने सो लिए कि अब तो सपने भी रिपीट होते हैं. ऐसा कौन सा सपना है जो आप चाहती हैं, you wish कि एटलीस्ट ये सपना तो रिपीट हो ही रहे? ऐसे लगता है कि पेंट हाउस खरीद लिया है, कभी लगता है कहीं फार्म हाउस है, छुट्टियों पे जा रही हूँ, यू नो वेरी लैविश. आई थॉट यू नो आई हैव सम 10-12 हाउसेस इन ऑल ओवर. तो यहाँ बोलते हैं तो वहाँ जाइए, रेगुलर सपने आ रहे थे बैठे बैठे घर पे. तो आपको ज्यादा ट्रैवलिंग के सपने आ रहे थे? ट्रैवलिंग के एंड प्रॉपर्टीज के बहुत ज्यादा आ रहे थे. शायद मैं मनी हाइस्ट मैंने बहुत प्यार से देखी थी तो मुझे शायद बहुत ज्यादा पैसे दिखने लग गए थे सब जगह. So, आपने नागिन सीरियल में अपना डेब्यू किया था 98 में. अभी तक आपका जो सुपर हिट शो चल रहा है कुंडली भाग्य, कैसा रहा आपका ये सफर? यू हैव डन मूवीज लाइक ताल, राजू चाचा, लाइफ में कभी कभी, दुल्हन. फर्स्ट थिंग, मैंने नागिन में अपना डेब्यू नहीं किया था. मेरा डेब्यू था एक सीरियल जिसका नाम था जाने कहां मेरा जिगर गया जी. इट वॉज ऑन द लाइफ ऑफ राजेश खन्ना. रोची भाटिया वॉज producer and the director and I was playing Dipal Kapadia. Okay. So that is where I started. अच्छा अच्छा, क्योंकि पूरा इंटरनेट यही बोलता है कि आपका डेब्यू नागिन में है, ये किसी को ठीक करना पड़ेगा. Let's put this on record first. And ये था, उसके साथ ही मैं Seahawks कर रही थी. So I did जाने कहां, while जाने कहां I started Seahawks. नागिन was much later. बहुत आगे जाके हुआ था नागिन. And right now I'm doing कुंडली भाग्य. कैसा रहा आपका ये सफर? इतना आपने you've done so many different roles, you've seen all the genres and how was it? How inspiring? Fantastic.
fantastic is not the word. I mean, I have no word besides fantastic because frankly, मुझे कभी acting, मैं कलकत्ता की लड़की हूँ तो हाँ मुझे हिंदी बोलने नहीं आती थी. I'm a Sindhi but I was born and brought up in Calcutta. Okay. So I didn't know Hindi. And then वो typical होता है ना, लंबी लड़कियाँ air hostess बनना चाहती हैं, so I wanted to become an air hostess. Yes. So ये तो it was just a coincidence. Actually, I started as a model. Okay. And my first ad was Mafatlal with Nasir Abdullah. So then I did Ram for 7 years. Yeah. In while I was doing Ram, Prochi saw some picture of mine in midday. That's how she had called me up. Okay. And films are also a coincidence. I have not done Taal, by the way. I have done Dulhan Hum Le Jayenge, Raju Chacha, Deewane, Ishq Zade. I did a movie with Nagesh Kukunur called Moor. So my first movie was Dulhan. That also came on a platter because Deepak Tijori, who is a very dear friend of mine, recommended me for the movie. So everything has like fallen in place. You know, I have never gone, approached, asked people for work or taken my pictures and said, sir, dekh lo, kaam de do, wala. Never. My God has been very great and I've just got everything on a platter. Very nice, very nice. So, hard work ke saath saath, किस्मत ne bhi kaafi sara kaam role kiya hai aur bhagwan ne jaisa aapne bola, God has been very kind to you and you've got a lot of roles and opportunities as well. Matlab abhi jaise main abhi lockdown ke dauran na OTT platforms पे भी शक्तिमान दोबारा से एयर हुआ एंड जब पीपल जस्ट वेंट क्रेजी हाउ वाज दैट फीलिंग वाज दैट नॉस्टैल्जिक एंड दैट यू रिमेंबर समथिंग फ्रॉम दैट जॉनर yeah very nostalgic and I remember a lot frankly that time you know you had that job satisfaction yeah. which now I'm sorry to say you really don't have because now people are running a rat race trying to make the ends meet because we have dailies now every day aapko shoot karke telecast karna padta hai so nobody has itna dhyan koi nahi deta pehle kya tha aaram se scenes bhi kamal ke hote the अब आराम से शूट करो वीकली होते थे यू नेवर हैड दैट टेंशन सो इट इज नॉट आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी बट दैट टाइम एज एन एक्टर वर्क यू नो वाज वेरी सैटिस्फाइंग टुडे एज अ एज एन एक्टर मनी इज वेरी सैटिस्फाइंग हाँ नाउ इट इज मनी प्रायोरिटीज इज इट बिकॉज योर प्रायोरिटीज हैव चेंज्ड और वो ओवरऑल सिनेरियो ही थोड़ा बदल गया है ओवरऑल सिनेरियो ही ये हो गया है अब इट इज सिर्फ पैसा अच्छा पैसा आया तो आई एम श्योर वो मनी से काफी सारा उतना ही जितना ज्यादा पैसा होता है बट आई पर्सनली बिलीव कि वो उतना ही ज्यादा स्ट्रेसफुल भी होता है नहीं नॉट रियली मैं वो टिपिकल सिंधी हूँ यू नो मैं पैसे ऐसे बैंक बैंक में नहीं रखती हूँ मैं प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती रहती हूँ कि यू नो बुढ़ापे में दिल किया तो काम करूंगी ना किया तो ना करूं वैसे वाला तो हाँ तो मैं वैसे कोई स्ट्रेस लेती नहीं हूँ आए तो आए ना आए तो भगवान की मर्जी दैट टाइम आई बिलीव अ लॉट इन डेस्टिनी एंड गॉड यू नो सो आई एम ओके आई एम हैप्पी ईदर वे ओके एंड यू हैव बीन अ डाई हार्ड एनिमल लवर एंड यू हैव अ डॉग एज वेल व्हाट इज क्यूपिड क्यूपिड वाओ और ही इज अ ही मस्ट बी अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू मतलब कभी व्हाट्स योर रिलेशन हाउ डू यू डिफाइन दैट लव You know, actually, my father still thinks I'm mad. When I was 16, 17, when my mom was alive, मैं ना puppies उठा उठा के घर ले आती थी. और मैं college जाती थी तो puppies गायब हो जाता था घर से. Because my dad's been an NRI. So he used to spend 3 months a year with us and 9 months abroad. So dad आते थे वो doggy गुम हो जाता था. तो मैंने एक बार ही वापस एक dog लाया and I told my mother, if this dog goes, I'll kill myself. So my mother said, don't worry. We'll do something. So my mother rented an apartment with the maid, our regular maid. My mother right. moved me and the puppy there and told my father, your daughter's run away with some dog. Okay. So my dad was trying to call me back, but the condition was ki doggy allow nahi karunga because dad was very scared of dogs. Okay. But finally he gave in to me. He said, theek hai. So then I came home with one dog. Then after 5 years, I got another dog and finally my dad loved them so much. दैट अब्रॉड से एक सूटकेस ना डॉग के लिए आता था खाने का नाउ माय एवरी फैमिली मेंबर हैज अ डॉग आई हैव अ डॉग माय सिस्टर हैज अ डॉग माय डैड हैज अ डॉग सो वी एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन क्यूपिड वाज नॉट इन माय लाइफ व्हेन आई मूव्ड आउट ऑफ माय हाउस बिकॉज आई थॉट अब बहुत हो गया यू नो आई नीड टू लिव ऑन माय ओन एंड आई हैड माय ओन अपार्टमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सो आई वाज अलोन
And you know, I am born and brought up with four brothers, sisters, mother. So we had a big family. So suddenly that loneliness was getting on to me. So I used to go partying till 4-5 in the morning. 7 baje ki shoot pe chali jaati thi. I never used to come home, you know. Aise party se ghar aake na lo aur chale jao. Then I got Cupid as a present and my life changed. मेरा पैकअप होता है ना, आई डिसअपीयर फ्रॉम द सेट बिकॉज़ आई रन होम दैट माय बेबी इज वेटिंग फॉर मी. वाओ, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. आप जैसे पैकअप वगैरह होता है, आप जैसे टीवीज में भी हैं, आपने मूवीज की हैं, वेब सीरीज ओटीटी में भी आपने काफी रोल्स किए हैं. व्हाट डू यू थिंक हैज अ बेटर फ्यूचर? व्हेन आई माय फर्स्ट मूवी व्हेन आई डिड I was told not to do serials. But frankly, the money is in serials. You know, bread butter is in serials. Aap kitni films kar loge? I am not an Amitabh Bachchan or a Kajol who will be having back-to-back movies. You know, aap ek kar lo 4 saal mein, 2 saal mein, 3 saal mein. So future, I feel definitely television, if you want money, regular money. If you just want to satisfy yourself as an actor, तो फिर आप वो वेब सीरीज करो, फिल्म्स करो, जो आती फिल्म्स में भी आजकल यू नो इट्स नॉट दैट यू नो वेरी रेयरली वैसी ट्रू टू लाइफ मूवीज बनती हैं. राइट राइट. बेसिकली इट्स ऑल द स्टंट वेंचर्स एंटरटेनर्स यू नो. तो यू हैव टू डिसाइड. मेरे लिए एट दिस टाइम नाउ माय एज आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड थिंक वो मैंने कर लिया जो मुझे करना था. माई सेटिस्फेक्शन हैज कम टू दैट. सो नाउ इट इज मनी बिकॉज यू नो आई फील आफ्टर अ सर्टेन एज I might not want to work. मुझे मजबूरन कि मुझे काम करना है to support myself वाला नहीं करना है. So I'm trying, बाकी भगवान के हाथ में है. I'm trying कि एक point के बाद या मैं अपनी खुशी से काम करूँ, मुझे जबरदस्ती ना करना पड़े. तो इसीलिए मैं limited, मैं मेरी वैसे भी आदत है, मैं limited काम करती हूँ. जब करना था बहुत सारा कर लिया. Now I do one serial at a time and if I get a movie or a web series which I feel I want to do, I do. Yes. Web series I'm not very comfortable because frankly I am not the body showing kind of a person which I've never done in my jawani. So what I'll do now? तो वो मुझे कुछ अच्छा सा मिल जाए decent वाला तो मैं कर लूँ, वैसे वाले तो मैं ना कर. तो इसीलिए मैं bother नहीं करती. एकदम sorted है, priorities एकदम 1, 2, 3 done. हाँ बिल्कुल. मुझे पता है ना जिस बात में मैं comfortable नहीं हूँ वो मैं नहीं करूँगी. मैंने कभी नहीं किया तो मैं अब क्या करूँ. Right. So we have this small segment of one word, one line answer. Are you ready for it? You have to answer in a word or a line maximum. Okay. Who's your BFF for life? Chalata. Okay. You like tikha or meetha? Tikha. Any favorite web series during lockdown? Money Heist. Yeah. I loved it. Loved it means loved it. Yeah. Ajay Devgan, Anil Kapoor, Mukesh Khanna, Mamik, Salman Khan, the more matured gentleman. Ajay Devgan, I'm in love with it. Aishwarya Rai, Karishma Kapoor, Kajol, Urmila, Priyanka Chopra, the evergreen elegance. Karishma Kapoor. Yeah. Who's your favorite co-star? Gem of a person. In men, anyone? Ajay Devgan, gem of a person, gem. Okay. In females, I really don't think I had, except Karishma Kapoor, again a very nice person, a very nice human being. Yeah. Okay. I love Sonali also. Sonali Bhendre, she's also very good. I've had a crush on her like since forever. She's a sweetheart, very sweet person. One director you are waiting to work with? I was waiting to work with Nagesh Kukunur, but it happened. So I wanted to work with Mahesh Manjrekar, it happened. I wanted to work with David Dhawan, it happened. So, I really don't, I've not really planned. I mean, I'm not, if I get some good directors, I'm okay. Otherwise, I don't have anybody who I really wanted to. I always wanted to work with Nagesh Kukunur. Okay. So that worked out. You worked. Yeah. Saturday night, club hopping or quiet dinner? Depends on my mood. I love going out and dancing. Yeah. So club hopping.
if I'm in a mood for a quiet dinner, then a quiet dinner. Okay. I mean, I decide that moment. Both options. Yeah, that moment, whatever my mood is. Your favorite genre of music? I love pop. I love Hindi. If it's Hindi, then Kishore Kumar romantic. Those Dags and, you know, Jewel Thief and all those. I love those songs. So, and English, I definitely love fast pop. Okay. Dance numbers. Any number you want to hum? I'm very bad. I can't hum anything. Okay. So I've been teaching my niece nowadays, Pal Pal Dil Ke Paas. So she sings that song along with me. Yeah. Oh, nice. Very nice. So last question of this segment. Most expensive shopping done ever? I bought a Cartier watch for 4.5 lakhs. That is the most expensive. Which got stolen. My mate stole it. Oh my God, that's like double the expense of the shopping. Okay. Yeah, thank you for this one-line answer. This was a fantastic round. Now, there are a few questions that now our audiences are also joining in. And they were also putting up a few questions. आपसे पूछा ये जा रहा है कि मुंबई में जनरल इतनी हैवी रेनिंग हो रही है और आप मुंबई में ही आपका काफी टाइम बीता है. एनी नॉटी मेमोरी ऑफ द मुंबई रेन्स? नॉटी नहीं, बहुत सैड वाली मेमोरी है 26 जुलाई की. आई मीन दैट टाइम व्हेन द फ्लड्स हैपेंड, आई वाज शूटिंग फॉर कुसुम एंड आई वाज नियरली ड्राउन्ड एंड आई वाज लॉक्ड इन माय कार एंड द वाटर स्टार्टेड फिलिंग इन. तो मुझे लगा आखिरी दिन है मेरा, बिकॉज आई थॉट आई एम डाइंग. एंड मैं भगवान से बार बार कह रही थी, मैंने कहा हाय, मैंने बड़े गुनाह किए होंगे, ये कौन सी मौत दे रहे हो आप. तो मुझे पानी भर जाता है ना, मैं पैनिक में आ जाती हूँ, बिकॉज आई गेट डैम स्ट्रेस्ड आउट. ओके. And especially, you know, after 26 July, I was like, that was the worst scenario. Otherwise, I love watching the rain from my house. I'm a Cancerian, so I love, you know, rains, mountains, my favorite. But bahar jana, not me. Oh, not you. Okay. अच्छा, वैसे I've always wondered कि TV serials में आप जो roles करते हैं, उसमें मतलब it's just a personal question, इतनी heavy dresses और jewelry पहन के पूरे पूरे दिन की shoot करनी पड़ती है. How tiring is it? आजकल है ना, मैं थोड़ी स्मार्ट हो गई हूँ. मैंने वो गले के पहनने बंद कर दिए, वो नेगेटिव जो पूरे भर भर के पहनती थी वो मैंने आजकल, बिकॉज मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई नेगेटिव है तो इतना क्या करना है, यू नो. तो कुंडली, इफ यू सी, आई एम नॉट वेयरिंग एनी नेक पीसेस, आई एम जस्ट वेयरिंग इयररिंग. एंड मेकअप भी थोड़ा लाउड होता है, वो चुड़ैल टाइप का, वो आजकल वाला तो वो वैसे ही नहीं होता. तो नेगेटिव इंसान जरूरी नहीं है ऐसे घूमे, यू नो, यू कैन बी नॉर्मल अ बिच इन योर नॉर्मल मेकअप आल्सो. सो आई हैव काइंड ऑफ रिड्यूस माय मेकअप एंड मैं चोकर्स तो पहनती नहीं हूँ, अब वो जमाने गए, यू नो, चोकर्स वोकर्स तो इयररिंग्स निकाल के रख देती हूँ. एंड मैं मेंटली रोज प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि 12 घंटे मुझे वहीं बैठना है, चाहे वो काम कराए कि बोले सो जाओ. तो मैं बॉदर ही नहीं करती, दूसरे एक्टरों की तरह नहीं, हो गया मैं जाऊँ, हो गया, आई डोंट बॉदर. मैं हमारा खाती पीती सो जाती हूँ, शॉर्ट रेडी होता है. ऑल द 80s नो कि मैम सोएगी तो हम 15 मिनट पहले जाके बोल देते हैं, तो बोलेंगे मैम 15 मिनट बाद आपका शॉर्ट है, तो मैं उठ के टचअप वचअप करके चली जाती हूँ. तो आई एम वेरी वेरी चिल्ड आउट पर्सन. मुझे ना घर जाने की घाई होती है, ना किसी की घाई. भाई 12 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, मैं 12 घंटे काम करूंगी. बहुत बढ़िया, सॉर्टेड. ये आजकल चाइना को बड़ा लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, आपने कुछ किया चाइना को बॉयकॉट? सब कुछ. मेरा ओप्पो फोन था, इतना कमाल का फोन मेरा चल रहा था, मैंने वो फोन बेच दिया. मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए. ऑल द एप्स आई रिमूव फ्रॉम माय फोन. आई वाज वेरी हैप्पी विद द स्कैनर दे हैड, डॉक्यूमेंट स्कैनर. आई टू लव दैट, दैट आल्सो आई, या कैम स्कैनर, दैट आल्सो आई डिलीटेड. फोन भी कमाल का नया नया था, जाके बेच दिया. तो आई हैव ट्राइड. बाकी मैं एसी के पार्ट्स नहीं निकाल सकती, बट जितना मेरे बस में था उतना मैंने किया. बाकी एवरीवन वाज टेलिंग मी कि एसी में भी पार्ट है ना चाइना के, इसमें भी, तो वो तो मैं नहीं निकाल सकती. बाकी जितना कर सकती थी भी किया मैं. ओह नाइस नाइस. अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट एक क्वेश्चन आया है इस इंडिपेंडेंस डे पे. व्हाट डू यू थिंक एज इंडियंस हमें किन चीजों से इंडिपेंडेंस की एक्चुअली में जरूरत है? पीपल आर आस्किंग. आई
मुझे तो पहले लगता है कि यू नो ये जो नेपोटिज्म की बातें हो रही है, वी नीड टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट, बिकॉज दैट इज समथिंग विच आई एम नॉट कमिंग टू टर्म्स विथ, यू नो. एंड वी नीड टू बी पीपल हु कैन वॉइस योर ओपिनियन एंड पीपल शुड हियर अस आउट. इट इज द प्रॉब्लम दैट यू नो अ कपल ऑफ high class people, I think the world or India actually runs through their fingers, which is not the right thing. I think we should be independent enough ki humko agar kuch lagta hai galat hai to we should voice our opinion. Aisa nahi aapne voice kar diya aur aapka murder ho jaye. So I think aapko hai na ye sari baaton se independence chahiye. You should be able to freely breathe, freely voice your opinion. You know, if something wrong is happening, टुडे आई एम टेलिंग यू आई एम सो स्कैर्ड कि शायद मेरे आगे कुछ गलत हो ना, आई डोंट थिंक मैं आगे बीच में जा सकूं, मे बी बिकॉज यू नो मुझे इतना डर लग गया इस बात का. नॉर्मली आई एम द पर्सन कि मुझे कहीं दिख जाए ना किसी के साथ गलत हो रहा है, एनी गर्ल आई हैव गॉट इन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री कि किसी लड़की के साथ ये गलत करना चाहते हो तो मैं लड़ मरती हूँ बीच में. अब मुझे लगता है शायद मैं ना घुसूं, यू नो, आफ्टर ऑल दिस, विच इज नॉट द वे आई वॉन्ट टू लिव. I don't want to live like that. I don't want to be scared and I don't want to live in such a way. So I hope we get independence from all this, which is very important. Wow. Such a beautiful message actually. This is what, this is actually something that people need to realize themselves. You know? Yeah, because I was just talking to a friend and I said ki there was one actress jisko problem ho gayi thi aur main lad mari thi producer ke saath. I didn't leave that place till the time she would come with me because that girl didn't want to stay back. If she wanted to stay back, then it is her life. You know what she does. Yes. अरे आप तो पता नहीं कोई काट के चला जाए, कोई मार के चला जाए. You know, you don't know. But क्या बोल सकता है इंसान है ना. I can't live like this because I am a person who's known to be a very frank person who voices his opinion. So मैं तो ऐसे डर के जी भी नहीं पाऊंगी. तो पता नहीं if I tomorrow I have a problem, शायद मुझे भी कोई काट दे. I want us to live in peace, you know, in free, with a free mind, free spirit, not be scared of anything or anybody. So I think we need independence from all that. Yes, yes, very, very important. To end this fantastic interview, any message you want to give to your fans? See, I want to tell people, the youngsters who want to make it in the industry and all that, which I've always been saying, that please don't pay anybody. बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें पैसे दे दो हम आपका कुछ कर देंगे. डोंट पे एनीबॉडी, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग व्हिच यू डोंट वांट टू डू. डोंट पुश योरसेल्फ. इफ इट्स रिटन हियर यू विल गेट द वर्क, यू नो, वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट एंड दैट लीव द रेस्ट टू गॉड. प्लीज डोंट कम अंडर रॉन्ग हैंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर पेरेंट्स हैव लेफ्ट यू टू कम टू अ स्ट्रेंज सिटी विद अ लॉट ऑफ ट्रस्ट. प्लीज डोंट बिट्रे दैट ट्रस्ट. Don't get on to bad habits, bad people, bad, you know, influences. Just be a good human being and a good soul and rest will follow. Fantastic. Fantastic. Thank you so much, Usha Bachani, for joining with our viewers and your fans, and people are just loving the interview, and I hope they become now your staunch fans of your philosophies and mazedar baatein. Thank you so much. It was my pleasure. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. God bless. Bye-bye. So this was Usha Bachani, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें जाना उनकी लाइफ के बारे में और काफी सारे फैक्ट्स ऐसे जाने जिनके बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता था. अगले हफ्ते एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ हम एक बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन करेंगे और उनकी लाइफ की स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं. टिल नेक्स्ट सैटरडे आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड. टिल देन नमस्कार.